की, जहां चुनाव परिणामों के बाद केपी यादव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। केपी यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है, केंद्रीय नेतृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी एमपी में उनको सौंप सकता है। तो शाह ने गुना में प्रचार के दौरान इस बात के संकेत भी दिए थे, केपी यादव के भविष्य की पार्टी चिंता करेगी, यह अमित शाह ने कहा था। तो आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुना पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कही थी, ये ऐलान किया था कि केपी यादव के भविष्य की चिंता जो है पार्टी करेगी। तो बता दें आपको कि गुना से मौजूदा सांसद हैं केपी यादव, जिनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार चुनावी समर में पार्टी ने उतारा, लेकिन उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट कटने के बाद केपी यादव की क्या भूमिका रहेगी पार्टी में, उनका सियासी भविष्य क्या हो सकता है। लेकिन जब चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुना पहुंचे तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि आने वाले समय में केपी यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सौंप सकती है। और देखिए, जाहिर तौर पर केपी यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी जब पार्टी सौंपेगी तो इस बात के ये भी संकेत है कि सभी को साथ लेकर पार्टी चलना चाहती है, और इसलिए केपी यादव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में पार्टी सौंप सकती है। आपको याद होगा केपी यादव जब बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए थे 2019 में, तो गुना से जब कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी समर में थे तो केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो सियासी समीकरण बदले और केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि केपी यादव की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन केपी यादव के बारे में अब जरा आपको बता देते हैं कि केपी यादव कौन है। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं केपी यादव। इस बार केपी यादव का टिकट काटकर पार्टी ने सिंधिया को चुनावी समर में उतारा है। लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद और बैतूल का चुनाव प्रभारी पार्टी ने उन्हें बनाया। 2019 में गुना से बीजेपी के केपी यादव ने सिंधिया को करारी शिकस्त दी थी। तो देखिए, अभी मौजूदा सांसद हैं केपी यादव, लेकिन इस बार उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी समर में उतारा है। लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा था और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिरकार अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा, क्या पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है या नहीं। लेकिन अमित शाह ने खुद ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जब रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तो उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी केपी यादव को मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता उमेश पारश लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए हैं कि केपी यादव की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी। लेकिन क्या लग रहा है, क्या सियासी भविष्य उनका हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? देखिए प्रशंसा, जिस तरह से 2019 में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी, उसके बाद एकदम से जो केपी यादव हैं उनको लोग जानने लगे थे। इससे पहले केपी यादव का नाम हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही जुड़ता था, लेकिन जब उनको प्रत्याशी बनाया गया चुनावी मैदान में, वो बीजेपी से प्रत्याशी रहे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त दी। अब मौजूदा सांसद जरूर है लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में यहां से उतारा गया है। अब क्योंकि मतदान हो चुका है और ऐसे में बीच बीच में कयास ये भी लगाई जा रही थी कि केपी यादव कांग्रेस में भी जा सकते हैं, कांग्रेस के कई बड़े लीडर हैं वो उनके संपर्क में थे, लेकिन पार्टी ने उनकी चिंता की और उनको अलग अलग जो जिलों की जिम्मेदारी दी, होशंगाबाद की उनको जिम्मेदारी, चुनावी जो जिम्मेदारी है वो दी। और उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो गुना प्रचार में पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि केपी सिंह की भविष्य की हमें चिंता है और जैसे ही 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसके बाद निश्चित तौर पर ही उनको एक मध्यप्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
अब ये बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, ये 4 जून के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जिस तरह से केपी यादव जो यादव समाज के नेता हैं और गुना सीपुरी में तकरीबन 4 लाख से अधिक वोटर यादव हैं और उनके संपर्क भी है यादव समाज के लोगों से, उनका जुड़ाव भी है, यही वजह है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो उनको बड़ी जिम्मेदारी देगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से केपी यादव है, केपी यादव सरल और सौम्य स्वभाव के नेता हैं, कुछ ना कुछ तो पार्टी जरूर देगी। फिलहाल आपका गृह मंत्री अमित शाह जो बोलते हैं वो करते हैं और इसके उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिले हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, जब छत्तीसगढ़ में शाह पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, बड़ा आदमी बनाने की बात उनकी ओर से कही गई थी। विष्णुदेव साय और ओपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात उनकी ओर से की गई थी और ये बड़ा वादा उन्होंने किया था। इसके बाद हमने देखा, विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया, ओपी चौधरी को वित्त मंत्री बना दिया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था, जब चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, उस दौरान ये उन्होंने बातें कही थी और उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि केपी यादव के भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्टी देख लेगी कि उनको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि केपी यादव को आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो बड़ी बातें कही थी, ओपी चौधरी को लेकर और विष्णुदेव साय को लेकर, जो कहा वो किया भी। अब मध्य प्रदेश से इसे जोड़कर देखें तो केपी यादव के सियासी भविष्य को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो साफ संकेत दिए हैं शाह ने, क्या लग रहा है इसके क्या मैसेज रहेंगे? जाहिर तौर पर सबको साथ लेने की कोशिश है, इसलिए कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। देखिए, चुनाव के बाद 4 जून के नतीजों के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद दो कार्रवाई एक्शन होंगे। पहला तो जहां मरम्मत करने की जरूरत है, जहां संतुष्ट नहीं है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, तो वहां चीजों को बेहतर करने की तरफ वो बढ़ेगा। और हो सकता है कि मैं दंड शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे कुछ लोगों के विरुद्ध कुछ इस तरह के एक्शन जरूर होंगे जो ये बताएंगे कि आपको सतर्क रहना था और आप सतर्क नहीं रहे। और दूसरी जो एक्शन टेकिंग होगी वो पॉजिटिव रेफरेंस में होगी। इसमें केपी यादव का संदर्भ अभी आपने उठाया है, तो केपी यादव चूंकि गुना में एक बहुत बड़ा नाम इसलिए बन गए थे 2019 के चुनाव में कि उन्होंने दिग्गज नेता तब के कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और यादव बहुल जो वहां मतदाता है उनके बीच में उनकी बहुत गहरी पैठ है। और चूंकि अगर केपी यादव और सिंधिया जी के बीच में एक अव्यक्त तनातनी चलती रही पूरे 5 साल और ये माना गया कि ये तनातनी वहां नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन केपी यादव ने जिस तरह चुनाव के ठीक पहले इस तनातनी पर रोक लगाई खुद अपनी तरफ से और वहां यादव बहुल मतदाताओं के साथ गुना के दूसरे मतदाताओं के बीच जाकर सिंधिया जी के लिए वोट मांगे, उसका एक अनुकूल असर है और समझा जाता है कि उन्हें संगठन में जो मेरे पास सूचना है कि कोई महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है और संगठन के दायित्व के साथ आगे उनके लिए कोई और बढ़िया चीज सोची जा सकती है, जो कोई बाय इलेक्शन भी हो सकता है या किसी और जिम्मेदारी हो सकती है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए शरद जी।